सात साल का बेटा है आकाश तिग्गा और एक पाँच साल की बेटी है एंजल तिग्गा। मैं अपने बच्चों के बारे में गवाही बताना चाहती हूँ आप लोग को कि पहले मेरा बेटा जब अढ़ाई साल का हो गया और तब तक वो बोलता नहीं, फिर भी हम घर में नहीं बोलता है, कम से कम स्कूल जाएगा तो बच्चों लोग के साथ रहेगा तो एक दूसरे का देख देख के बोलेगा बोल के उसको हम अढ़ाई साल में ही स्कूल में, मतलब गांव में ही प्ले स्कूल था तो उसमें हम उसको डाले। लेकिन एक साल तक रेगुलर उसकी टीचर बोलते रही कि ये तो कुछ बोलता भी नहीं है और लिखता भी नहीं है, फिर भी हम उसको डेली भेजते थे। और जब फिर दूसरे स्कूल में डाले धुरुआ, हम सपारों से हैं तो धुरुआ प्रभात तारा में डाले और वहाँ गया, फिर वहाँ भी जब फाइनल रिजल्ट का टाइम आया एक साल बाद तो वहाँ भी उसकी क्लास टीचर बोली कि इसको क्लास आगे बढ़ाने से पहले हम इसका पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ भी हमको बताया गया कि ये तो क्लास में बोलता भी नहीं है और लिखता भी बहुत कम है, मतलब जहाँ बच्चे दो पन्ना लिखे तो वो एक लाइन लिखता है इस तरह। लेकिन हमको तो उसमें रोना आता था जब तो उसकी टीचर बुलाती थी और बोलती थी कि आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है, और यहाँ तक कि वो खेलता भी नहीं था। जब वो चार साल साढ़े चार साल हो गया तब तक वो खेलता भी नहीं था, और स्कूल में पाँच साल तक मतलब उसका रेगुलर टीचर बोलते थे कि ये बोलता भी नहीं है खेलता भी नहीं है। तब फिर हम 2015 में जब यहाँ कभी कभी आते थे, उससे पहले कभी कभी आते थे, लेकिन 2015 में जब हमको पता चला कि यहाँ बच्चे लोग का किड्स कैंप होने वाला है तो फिर हम वहाँ लाए। फिर उसी समय हमको पता चला कि बच्चों का रेगुलर ऐसे संडे क्लास होगा बोल के, तो फिर लाना शुरू किए। और हम यहाँ पहले जब आते थे तो पास्टर लोग प्रचार करते थे, उसमें हम सुनते थे और उनके द्वारा हम सुने थे ये बात कि परमेश्वर में किया गया काम को भी व्यर्थ नहीं जाता और परमेश्वर का अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। तो हम फिर सोचने लगे कि, और जैसे स्कूल में भी फादर लोग और टीचर बोले कि इसको अच्छे से दिखाइए, हो सके इसका मुंह में कोई प्रॉब्लम होगा, इसको चाइल्ड डॉक्टर से दिखाइए। तो हम फादर से बोले कि सर कहाँ दिखाए, तो वो बताए जैसे रानी चिल्ड्रेन में दिखाओ, वहाँ बच्चों का अच्छा से चेक होता है ऐसे बोलते, तो वहाँ भी दिखाए। लेकिन जहाँ जहाँ भी डॉक्टर के पास दिखाए तो वहाँ से यही बताया गया कि नहीं, बच्चे में कोई कमी नहीं, वो उसका मुंह भी पूरा खुला हुआ है लेकिन वो बोलता नहीं था। तब यहाँ तक कि जब दूसरे से आप सुनिएगा अपने बच्चों के बारे में तो ज़्यादा दुख नहीं लगता है, लेकिन घर के लोग जब बोलने लगेंगे कि आपका बच्चा गूंगा है, खुद इसकी फुआ तीन फुआ है, इसकी दादी है और इसकी फुआ लोग बोलती थी कि ये तो गूंगा बच्चा है। जैसे ही हम सुनते थे कि जब अपने परिवार के लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे आँख में पूरा आंसू हो जाता था कि कोई मेरे बच्चे को कैसे गूंगा बोलेगा, ये गूंगा गूंगा नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ फिर हम विश्वास से आने लगे कि नहीं, मेरा बच्चा गूंगा नहीं हो सकता है। और ये मतलब स्कूल में जैसे खेलता नहीं था बोलता नहीं था तो ऐसा भी नहीं होगा, ये पढ़ेगा भी और खेलेगा भी और बोलेगा भी, इस विश्वास के साथ हम इसको फिर यहाँ संडे क्लास लाना शुरू किए। फिर ऐसा होने लगा कि आप स्कूल से बोला जाता है कि आपका बच्चा तो बहुत बोलता है, आपका बच्चा तो खूब काम इसका स्कूल में। हम फिर हर सप्ताह में जा करके हम देखते थे कि टीचर लोग सही में बोलती है क्या कि स्कूल में खेलता नहीं है ऐसे बोल के, लेकिन जाके देखते थे और टॉफी या मिठाई वगैरह कुछ लेके जाते थे, लंच के टाइम पहुंचते थे और देखते थे तो सही में ये क्लास से निकलता था और अपना मतलब बच्चे लोग का ग्रुप में लोग लंच करने बैठता था, सारे बच्चे लोग लंच करके उठ जाते थे और खेलने चल जाते थे, वो लास्ट तक एक ही रोटी लेकिन लंच लेके बैठा हुआ है और खा रहा है, और सब बच्चा लोग खेलने चल जाता था और ये खा भी लिया तो बस एक दीवार के सामने खड़ा होके
खड़े रहते लेकिन खेलता नहीं था। और अगर इस साल जब इन लोग का स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहा था तो अभी क्लास वाइज जब मैच हो रहा था तो आपने फिर आके बताया, इसको तो हम सोचते भी नहीं थे कि कभी ये मैच खेलेगा, लेकिन दूसरे बच्चे लोग को बताइए कि चाची इसका ना कल मैच होगा, इसको एक अलग से स्पोर्ट्स ड्रेस दे दीजिएगा। तो दूसरे लोग बोली बोल के हम दे दिए। अब जब स्कूल से आया तो बता रहा कि मम्मी एक गोल ना हम मारे। और ऐसा होता था कि स्कूल जब प्रभातारा में जब 2 साल हो गया, वो हर एग्जाम से पहले मतलब साल भर में 3 या 4 बार 10-10 दिन कुछ ना कुछ वजह से बीमार हो जाता था। और 10 दिन में सिर्फ वो इतना थोड़ा थोड़ा कभी कभी पानी मांगता था और कुछ नहीं, ना दूध हॉर्लिक्स ना बिस्किट ना खाना रोटी कुछ नहीं खाता था। और टीचर लोग भी बोलने लगी कि जब इतना ये एब्सेंट रहेगा तो ये बच्चा क्या सीखेगा। तो फिर हम यहाँ मतलब चंगाई प्रार्थना ये सब देख चुके थे तो फिर हम बोले कि नहीं, इसको तो डॉक्टरी इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको अब डॉक्टर का इलाज ही करना बंद कर दें। इसको आज तक उसके बाद से इसको आज तक डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। जब भी बीमार होता है हम यहीं लाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम यहाँ का सीढ़ी चढ़े मतलब मेरा बच्चा चंगाई को पा लिया है। और ऐसा हो जाता है तो ये कमजोर है, इसको स्कूल कैसे भेजेंगे। उसको हम अगला दिन स्कूल जाना है, स्कूल भेजते हैं। इसकी दादी हम मेरे से लड़ाई कर देती है कि बच्चा 10 दिन खाया नहीं है तुम स्कूल भेज रही है। हम बोलते हैं नहीं, ईश्वर सब कुछ पूरा करेगा, वो आत्मा का भोजन दिया है और वही इसके लिए काफ़ी है। और इसको भेजते हैं और ये 2 साल से अब रेगुलर स्कूल जा है, 1-2 साल में एक बार भी एब्सेंट नहीं। और बेटी का भी वही बताना चाहते हैं, उसको भले ही हम मतलब बेटा के बारे ज़्यादा चिंतित होने की वजह से उसको ध्यान देना और बेटी को कम ध्यान देना, वो जब पैदा हुई उस समय ऐसा मेरा परिस्थिति था कि घर में हमको खाना नसीब नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि धान चावल नहीं था, लेकिन सास बहू वाला प्रॉब्लम के वजह से हमको खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन उस समय हम उपवास प्रार्थना यहाँ का कभी नहीं छोड़ते थे। इसलिए ऐसा हुआ कि उसको सांसारिक भोजन नहीं मिला लेकिन उसको आत्मिक भोजन मिलते गया। और वो कोई भी चीज़ स्पेशली याद करना होता है तो वो खेलते हुए याद करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रॉन्गली मतलब हाँ तुमको पढ़ने बैठना है पढ़ो, ऐसा नहीं। उसको हम नहीं पढ़ाते हैं लेकिन वो भी हमेशा अंडर 5 ऐसे लाते हैं। थैंक यू। बहुत सुपर नेचुरल था, है ना पेरेंट्स? कुछ कुछ जवाब मिला, कुछ एडवाइस मिला, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास भोजन है तो उनको जरूर खिलाइए, ठीक है? प्रभु खिलाता है लेकिन हम लोग को भी क्या करना है, अपना बॉडी को क्या रखना है, फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और अभी टाइम है एक मूवी का। कितने